हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास के सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर क्या है, इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा हमने। इस चैप्टर में हम मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और मैटर को पहले से ही स्टडी करके चलते हैं कि प्योर क्या है और इम्प्योर क्या है। जैसा चैप्टर का नेम हमें इंडिकेट करता है, तो चैप्टर है हमारा सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे आसपास मैटर है वो क्या प्योर है? तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्योर सबस्टांस क्या होते हैं या प्योर मैटर क्या होता है। प्योर मैटर वो सबस्टांसेस हैं जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल मिलेंगे, सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल। अब देखो, अब मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर जनरली घर में दूध आता है, अगर मैं पूछूं कि क्या दूध प्योर है, तो आप सोचोगे भाई पानी नहीं मिलाना चाहिए उसमें, वो प्योर है। लेकिन वो प्योर नहीं है, क्योंकि दूध के अंदर फैट होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, आपको पता है कितनी सारी चीजें होती हैं मिल्क के अंदर। तो वो प्योर नहीं है। प्योर वो सबस्टांस है जिसके अंदर सिर्फ एक ही मटेरियल हो, उसको प्योर सबस्टांस बोलते हैं। और जैसे हमने दूध बताया, उसमें तो कई सारी चीजें मिली हुई, उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो प्योर नहीं है, वो सारा मैटर प्योर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि प्योर नहीं है, प्योर भी है, लेकिन सारी चीजें प्योर नहीं है। ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। जो सारा मैटर है हमारे आसपास वो प्योर नहीं है। दो टाइप का मैटर है हमारे आसपास, प्योर सबस्टांसेस एंड मिक्सचर। मिक्सचर को इम्प्योर बोल सकते हैं, प्योर एंड इम्प्योर ऐसे बोलेंगे हम। अब प्योर सबस्टांसेस एंड मिक्सचर, अब मैं प्योर सबस्टांस की बात करूंगा। प्योर सबस्टांस जो है इनकी कैटेगरी में आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले जनरल चीजें पढ़ लेते हैं। प्योर सबस्टांसेस क्या होते हैं? सबस्टांसेज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल। ये वो सबस्टांस हैं जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम प्योर सबस्टांस बोलते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड इस कैटेगरी में आते हैं। ऑल द एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पीरियोडिक टेबल में मीन्स जितने भी एलिमेंट में उनकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, तुम कुछ भी सोच सकते हो, गोल्ड, मरकरी वगैरह वगैरह, जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स। एंड कंपाउंड्स, इन्हीं एलिमेंट से एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनते हैं, वो कंपाउंड भी प्योर सबस्टांस की कैटेगरी में आते हैं। एंड कंपाउंड्स आर प्योर सबस्टांस। इनको भी बताऊंगा मैं कि ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर का मतलब जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिले, विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अलग अलग टाइप के पार्टिकल होंगे। पार्टिकल क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम इम्प्योर सबस्टांस बोलते हैं या मिक्सचर बोलते हैं। इट कंटेन टू और मोर सबस्टांसेस, ये दो या दो से ज्यादा सबस्टांसेज का मिक्सचर होता है, जो इम्प्योर सबस्टांस है। एग्जाम्पल मिल्क, मैंने बताया आपको, मिल्क के अंदर वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होती हैं, सी वाटर, जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, एयर के अंदर कितनी सारी गैसेज होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज मिलकर एयर बनाती है, तो ये मिक्सचर है, मीन्स इम्प्योर सबस्टांस है। रॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मिनरल्स, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का आपको पता है इसमें से डीजल, पेट्रोल और गैस कितनी सारी चीजें बनती हैं, एलपीजी, सॉइल जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं,
सिलिका है उसके अंदर, आयरन है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें होती है। तो सॉइल में क्या है, मिक्सचर मीन्स इम्प्योर सब्सटेंस है। अब हम इसी बेस पर मैटर को क्लासिफाई करेंगे। असल में ये जो बेस है ये केमिकल बेस है, ये केमिकल नेचर का बेस है। तो मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे केमिकली। तो मैटर दो टाइप का है, एक प्योर सब्सटेंसेस और एक है मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब ध्यान देना आप, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनके अंदर ओनली वन सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सब्सटेंस होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। तो ये जो प्योर सब्सटेंस है ये भी दो टाइप के हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मैंने बताया था एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू, सॉरी, एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट को आप तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है मैटर की, इसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। उन पार्टिकल्स को किसी और चीज में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो सिंपल फॉर्म में, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे हैं, आप उनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। थ्री कैटेगरीज है ये, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये तीन टाइप के होते हैं एलिमेंट्स, इनको अलग अलग पढ़ोगे आप। और जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड किससे बनते हैं, एलिमेंट्स से बनते हैं। कंपाउंड बनते हैं एलिमेंट से, दो या दो से ज्यादा टाइप के जो एलिमेंट के एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। और उनके जो मास का रेशियो होता है ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन वो फिक्स होता है, तब कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दो टाइप के होते हैं। इनको भी करवाएंगे अलग से, अभी क्लासिफिकेशन है सिर्फ। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, मतलब एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में किसी भी रेशियो में मिले हुए होते हैं। और ये टू टाइप के होते हैं, होमोजीनस। होमो का ध्यान रखना, जहां होमो आ जाए इसका मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी है जो सेम है, आइडेंटिकल है, एक जैसी कंडीशन है। होमोजीनस जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, एक जैसा हो जाता है मिक्सचर बनाने के बाद। जैसे मैं नमक को घोल देता हूं वाटर के अंदर, तो आप थोड़ी देर बाद नमक को और वाटर को अलग अलग नहीं देख पाओगे, एक जैसे हो जाएंगे। उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं एक जैसा दिखने के लिए, तो ऐसा मिक्सचर जो एक जैसा कंपोजिशन हो जाए होमोजीनस बोलते हैं। दूसरा है हेट्रोजीनस, मतलब अलग अलग। मैं आयरन, स्क्रैप और सल्फर को आपस में मिला देता हूं तो उनका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, बड़े आराम से आपको वो अलग अलग दिखेंगे। तो इस टाइप का जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनस होगा। अब हम वन बाय वन इनको ढंग से स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीज को हम क्या क्या कहते हैं, कौन सी किससे मिलकर बनी हुई होती है। सबसे पहले हम एलिमेंट को स्टडी करेंगे। एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। ये एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर की, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो और सिंपल सब्सटेंस में उसे चेंज हम नहीं कर सकते, एलिमेंट होता है। बाय केमिकल मेथड्स, ये जो एलिमेंट होता है केमिकल मेथड अप्लाई करके और सिंपल चीजों में उसे अगर हम तोड़े तो नहीं टूटेगा वो, क्योंकि वो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, बहुत सारे एलिमेंट है। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, जिनमें से पहले हम मेटल्स को स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स में से मैं पहले बता देता हूं आपको, जो एलिमेंट होते हैं ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये देखो ये गैसेस हैं, ये सारे सॉलिड हैं। अगर मैं बात करूं मरकरी की, HG एक अकेली मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलती है, और ब्रोमीन ये नॉन मेटल है, ये दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ये मेटल है, ये
नॉन मेटल्स। अब मैं पहले मेटल्स की बात करता हूं। मेटल्स क्या होते हैं ध्यान रखना, मेटल्स आर द एलिमेंट विच आर मॉल्युबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका तो पता लग गया होगा, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं। मॉल्युबिलिटी का मतलब समझो, मॉल्युबिलिटी एलिमेंट्स की मींस मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को हैमर से हथौड़े से पीट कर शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गेट वगैरह पे लोहे की चादर होती है, वो लोहा चादर बन जाता है अगर उसे हैमर करते हैं, तो इसका मतलब वो मॉल्युबल है। मैंने बताया आयरन गोल्ड जिंक। एंड डक्टिलिटी का मतलब क्या है, डक्टिलिटी का मतलब है ये वो प्रॉपर्टी है जिससे किसी मेटल को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स वो एलिमेंट है जो जिनसे हम सीट बना सकते हैं, चादर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वायर बन सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, जो मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी। और मरकरी क्या है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। बाकी मैं प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं मेटल्स की, को ध्यान से समझना, एक एक प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है। मेटल्स आर मॉल्युबल, मैंने अभी बताया इनको हम सीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई हैमरिंग। गोल्ड कॉपर सिल्वर इनकी सीट्स बनाई जाती है। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स को वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। कॉपर वायर बनते हैं, एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं, सिल्वर के वायर बनते हैं। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर और एल्यूमिनियम भी गुड है लेकिन सिल्वर सबसे अच्छा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने बताया सिल्वर सबसे अच्छा, कॉपर आयरन ये भी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। दैट इज वाई ये इन पे क्वेश्चन बनता है कि इनके वायर क्यों बनाए जाते हैं, क्यों प्रीफरेंस एनी मेटल्स को देते हैं जो वायर बनाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। मेटल्स आर लस्टरस, लस्टरस का मतलब होता है चमकदार। जो मेटल्स है उनकी सरफेस शाइनी होती है, चमकदार होती है, उनकी हम पॉलिश भी कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर कॉपर इनकी पॉलिश चढ़ा देते हैं दूसरे मेटल्स पे। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल जनरली हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग सबको पता है, लोहा सबने देखा हुआ है हार्ड होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, दो मेटल से इनका एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से ये थोड़ी सॉफ्ट होती है और ये दोनों ऐसे चाकू से काटी जा सकती है। मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, मेटल जनरली स्ट्रॉन्ग होती है, हमें पता है उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ हाई होती है। मेटल जनरली स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, क्योंकि मेटल्स जो जिस टाइप के सॉलिड होते हैं इनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। टेंसिल स्ट्रेंथ भी एक्सप्लेन हो गई, हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है। अब जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के क्लोजली पैक होंगे, क्लोजली पैक होंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस का मतलब है किसी भी मेटल को आप हिट करोगे तो उससे एक पर्टिकुलर मेटलिक साउंड निकलेगा। अगर लोहा है उसको आप किसी चीज से हिट करो तो लोहे की अलग आवाज आएगी, गोल्ड की अलग आवाज आएगी, तो इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरस होना बोलते हैं मेटल्स का। जैसे बेल्स घंटियां बनाई जाती हैं, वो मजीरा जिन्हें म्यूजिक में यूज किया जाता है, तानपुरा इनके वायर, सितार वगैरह गिटार के वायर्स, ये मेटल्स के इसलिए बनाई जाती है इनसे साउंड निकलता है। मेटल्स आर जनरली हैव सिल्वरी एंड ग्रे कलर, मेटल्स मोस्टली मेटल्स का कलर सिल्वर ग्रे होता है एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, और कॉपर और गोल्ड का अलग होता है येलो कलर होता है। ये प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की। अब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स की। अब हम नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे, ये वो एलिमेंट है ना तो ये मॉल्युबल है ना डक्टाइल है, मींस ना सीट्स में कन्वर्ट होते ना वायर्स में कन्वर्ट होते और ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते। एक और एक्सेप्शन है वो हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे, एग्जांपल कार्बन सल्फर फास्फोरस ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ये सारे जो नॉन मेटल्स है या तो वो सॉलिड है या फिर गैस है, बस अकेली ब्रोमीन को छोड़कर। पहले भी मैंने बताया था ब्रोमीन इज द फ्यूमिंग लिक्विड, ये ब्रोमीन लिक्विड है, बस ब्रोमीन को छोड़कर बाकी सॉलिड है या गैस है। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, ना ये मॉल्युबल मींस सीट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, डक्टिलिटी ना वायर में, ये सीट्स में कन्वर्ट होना है
और डक्टिलिटी का मतलब वायर है, तो ये ना स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट हो सकते हैं ना वायर्स में। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बैड कंडक्टर नहीं करते, एक्सेप्ट कार्बन है जो ये दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, मीन्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। जो ग्रेफाइट होता है उसमें हर एक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से, अनपेयर्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ये हीट को कंडक्ट करता है, इवन मेटल से ज्यादा कंडक्ट कर देता है हीट को इसकी क्लोज बैंडिंग की वजह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस। नॉन मेटल्स की कोई चमक नहीं होती, ये चमकीली नहीं होती ये एलिमेंट्स, अकेले किसको छोड़ के, आयोडीन को छोड़ के। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट है, बस एक एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन सबस्टांस ऑफ द नेचर, डायमंड नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग सबस्टांस है। नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हैविंग लो टेंसिल स्ट्रेंथ, इनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब है वेट सहन करने की क्षमता है जो बहुत कम होती है, ज्यादा वेट रखने पे ये टूट जाएंगे। दीज में भी सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, तो ये सॉलिड नॉन मेटल सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल में दे रखे हैं लिक्विड का अकेला है ब्रोमीन। दीज आर नॉट सोनोरस, मेटल्स का कोई सॉरी नॉन मेटल्स का कोई पर्टिकुलर साउंड नहीं होता, लो डेंसिटी, इनमें ज्यादा अच्छी क्लोज बैंडिंग नहीं होती तो डेंसिटी इनकी कम होती है। दे हैव डिफरेंट कलर्स, जैसे मेटल्स का बताया था सिल्वरी ग्रे, इनका कोई ऐसे कॉमन कलर नहीं सारे नॉन मेटल्स का, अलग अलग होते हैं। जैसे ब्रोमीन है ये फ्यूम्स होती है रेडिश ब्राउन, इसके अंदर फास्फोरस है रेड और व्हाइट दो टाइप का होता है, सल्फर येलो कलर का होता है, अलग अलग कलर होते हैं। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की, मेटलॉइड्स क्या है, जो एलिमेंट कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स दोनों की दिखाते हैं प्रॉपर्टी, उनको क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स। जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और भी है, तो उनको हम क्या बोलते हैं मेटलॉइड बोलते हैं। इन प्रॉपर्टीज के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से पढ़ना है इनको, बस एक मिक्सचर में गया स्कोर कराता हूं। अगर हम मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर वो संरचना है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिले हुए होते हैं लेकिन वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, प्योर सबस्टांसेस को मिलाते, कुल मिला के प्योर सबस्टांसेस आपस में मिलते हैं। एग्जांपल एयर, अब देखो एयर के अंदर प्योर ऑक्सीजन है, प्योर नाइट्रोजन है, प्योर आर्गन है, प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मिल जाते हैं तो एयर बनती है, एयर भी एक टाइप का सॉल्यूशन है। तो समझ गए आप मिक्सचर क्या है, वो सबस्टांस है विच कंसिस्ट टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टूगेदर। All solutions are mixture of, all solutions are mixture, जो सारे solution होते हैं वो क्या है mixture है। Example salt solution, पानी में आप salt घोल दो salt solution बन जाएगा, वो असल में mixture है। अब इसको मैं यहां पर explain करूंगा इस example में। अब इसके type देखते हैं हम, homogeneous mixture, homo means मैंने क्या बताया था आपको same, जैसे यूनिफॉर्म होती है सबकी सेम होती है, हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन में इस बनावट कैसी हो यूनिफॉर्म हो एक जैसी हो, इसका मतलब जो जो चीज आपने मिलाई है आपस में उनको फिर आप अलग अलग ना देख सको, उसको हम क्या बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्ट को मैंने डाला, इसमें वाटर है, इसमें मैंने ऊपर से सोल्ट डाल रहा हूं। अब इसे डिसॉल्व करने के बाद इसमें आपको पता है सोल्ट आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा, एक जैसा कंपोजिशन हो गया, इसका मतलब होमोजीनस मिक्सचर बन गया। सुगर चीनी को घोल दो आप पानी के अंदर, चीनी आपको दिखाई नहीं देगी, घुल गई उसी उसमें आ गई स्टेट में आ गई जिसमें इसका सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब कैसा बन गया होमोजीनस मिक्सचर। मिल्क एंड वाटर, पानी और दूध को मिला दो अलग अलग नहीं देख सकते हो, इंक एंड वाटर, पानी में आप इंक मिला दो या इंक में पानी मिला दो अलग अलग आप उन्हें नहीं देख सकते,
वो जो मिक्सचर बनाया होमोजीनस टाइप बना, हेट्रोजीनस इसका मतलब जो अलग अलग दिखता है, इसका मतलब द मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे आयरन स्क्रैप के अंदर मैं अगर सल्फर मिला देता हूं तो आप अलग अलग दोनों को देख पाओगे, आइडेंटिफाई कर लोगे। और दूसरा है ऑयल एंड वाटर, आप मस्टर्ड ऑयल ले लो, सरसों का तेल और पानी मिला दो आपस में तो मिलेंगे नहीं, दोनों की अलग अलग लेयर बन जाएगी। तो इसका मतलब वो किस टाइप का मिक्सचर बना है, हेट्रोजीनस मिक्सचर बना है। तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, और इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अच्छे से पढ़ना है, इनमें से जो मैंने आज कराया है छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और अपनी प्रॉब्लम कभी भी आप ले सकते हैं।